आप सभी को नमस्कार। आज जो आपका टॉपिक है आधुनिक भारत का एक चैप्टर है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। ठीक, इस टॉपिक को आज इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, ठीक, ये हमारा चैप्टर है। तो एजुकेशन डेवलपमेंट इन ब्रिटिश रूल, ठीक। तो देखिए, इस टॉपिक को हम अध्ययन की सुविधा के लिए से तीन पार्ट में इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इसका जो पहला सब टॉपिक जो इसमें है कि ईआईसी के शासनकाल में शिक्षा का विकास। सेकंड टॉपिक है इसमें ब्रिटिश क्राउन या फिर आप संसद लिख सकते हैं, ब्रिटिश क्राउन या संसद के अधीन के शासनकाल में शिक्षा का विकास। और तीसरा जो इसमें आपका सब टॉपिक है वो है स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा का विकास। यदि हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल भारत में 1764 में शुरू होता है और 1857 तक, ठीक। फिर इसके बाद यदि हम इसकी बात करें ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में 1857 में इसकी नींव पड़ती 1858 में इसकी नींव पड़ती है और आपके 1947 तक। तीसरा जो इसमें आपका जो स्वतंत्रता के पश्चात जो शिक्षा का विकास, इसका टाइम पीरियड है आपका 1947 से लेकर आपका 2020 की जो शिक्षा नीति है, ओके। तो ये भारत में शिक्षा के विकास का हम एक क्लासिफिकेशन करते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए, ठीक। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन काल था इसके अधीन भी कुछ सब टॉपिक हैं। ब्रिटिश क्राउन के शासनकाल के अधीन भी कुछ सब टॉपिक्स हैं और स्वतंत्रता के पश्चात का जो शिक्षा का विकास वहाँ भी कुछ सब टॉपिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का विकास, इसे हम तो देखिए ईआईसी मैं इसे यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आप इसे समझ सकें, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्राउन और यहाँ लिखा हूँ स्वतंत्रता के पश्चात ताकि आप इसे समझ सकें। तो ईआईसी का जो शासनकाल था वो आपका 1757 से लेकर आपका 1858। तो इस कालखंड में जो शिक्षा का विकास हुआ वो उसका पहला टॉपिक आपका है कि 1764 से लेकर 1813 तक शिक्षा का विकास। सेकेंड टॉपिक इसमें आपका है आंग्ल प्राच्य विवाद भी आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ही होता है, ठीक। अभी इसे समझाएंगे इन तीनों टॉपिकों को आपको। तीसरा इसमें है आपका चार्ल्स वुड का डिस्पैच, ये आपका है आपका 1850
1884, चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854। डिस्पैच का मीनिंग यहाँ घोषणा पत्र से। तो ये तीन जो टॉपिक हैं, ये तीनों टॉपिक आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र की जो घटनाएं हैं, इन तीन टॉपिकों पर आधारित। फिर देखिए क्राउन का शासन, क्राउन का शासन आपका 1857 का ये विद्रोह होता है। विद्रोह के पश्चात 1858 का एक्ट आता है और उसके बाद 1947 तक ईस्ट इंडिया ये 1858 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया जाता है। इससे शासन को छीनकर क्राउन के हाथों या ब्रिटिश संसद के हाथों में भारत का शासन चले जाता है। तो इसके पश्चात भारत का जो शिक्षा का विकास होता है या जो भी प्रशासनिक गतिविधियां हैं उन पर संपूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश पार्लियामेंट का होता है और ब्रिटिश क्राउन का होता है। तो इसके अधीन जो आपका पहला टॉपिक है वो है आपका हंटर कमीशन। इस कमीशन का गठन आपका 1882 में किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड है 1880 से लेकर 84 तक। और इसका जो गठन किया गया था वो वुड डिस्पैच की समीक्षा के लिए किया गया था, ठीक, विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में। ठीक, कई अन्य चीज़ें भी हैं वो हम बाद में इस पर डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो दूसरा अधिनियम लाया गया था वो अधिनियम है आपका रेले कमीशन। ये रेले कमीशन जो है 1902 में लाया गया था, 1902 में लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड है 1899 से लेकर 1905। तो इनके शासनकाल में रेले कमीशन आता है। तीसरा इसमें 1904 का विश्वविद्यालय एक्ट, ठीक, ये दोनों ही इसके शासनकाल में, ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में ये दो टॉप ये घटनाएं होती है। तो रेले कमीशन जो था ये टॉमस रेले की अध्यक्षता में बनाया जाता है और इसके लिए इसकी जो संक्षिप्त चर्चा हम बाद में करेंगे। वैसे इसके लिए शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है कर्जन के द्वारा और टॉमस रेले की अध्यक्षता में कमीशन बनाया जाता है। ठीक, उसी कमीशन की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का पारित होता है। फिर देखिए इसके बाद आपका 1913 का शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र। ठीक, कि 1913 में ये ब्रिटिश सरकार ने ये निर्णय लिया था कि हम प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। तो इसी अधिनियम घोषणा पत्र के आधार पर ही आगे क्या है ये 6 विश्वविद्यालयों की नींव रखी जाती है। फिर इसके बाद देखिए 1917 का सैडलर आयोग। ठीक, 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में स्थापित पहला विश्वविद्यालय था। ठीक, 1857 में इसकी स्थापना की जाती है। और तो इसी विश्वविद्यालय की जो शिक्षा का काफ़ी दबाव था वेस्ट बंगाल में, तो इसकी समस्याओं के अध्ययन के लिए ये माइकल सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जाता है जिसे सैडलर शिक्षा आयोग कहा जाता है। और जो माइकल सैडलर थे वो इंग्लैंड के लीडर्स विश्वविद्यालय के ये कुलपति थे, तो उनके अध्यक्षता में ये कमीशन बनाया जाता है। अन्य भी इसके कई सारी अन्य बातें हैं। फिर इसके बाद देखिए आप 1929 का हार्टोक समिति। देखिए 1929 की जो हार्टोक समिति है, इस समिति का गठन सर फिलिप हार्टोक की अध्यक्षता में की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो साइमन कमीशन का गठन किया जाता है 1919 के एक्ट के रिव्यू के लिए, समीक्षा के लिए। ठीक, और साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को किया जाता है और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता। तो उसी साइमन कमीशन की एक सहयोगी कमेटी हार्टोक समिति, जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा की समीक्षा करना है और इस साइमन कमीशन को ही अपनी रिपोर्ट सौंपती है। फिर इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट जो शिक्षा के क्षेत्र में जो
इसमें नेक्स्ट है आपका 1937 की वर्धा योजना। वर्धा योजना, वर्धा योजना जो थी ये गांधी जी के द्वारा अपनी पत्रिका, उनकी जो पत्रिका थी हरिजन, हरिजन पत्रिका में इस योजना को पब्लिश किया जाता है। बाद में इसे सुनियोजित तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से और मॉडिफाइड करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, उसमें इसे और मॉडिफाइड किया जाता है और ये इसे इम्प्लीमेंट करने की योजना होती है, लेकिन वो सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो 1947 में जब देश फ्रीडम हो जाता है, देन आफ्टर जेएल नेहरू के द्वारा इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक, फिर इसके पश्चात देखिए आप, ये आठवां आपका, आप इसमें जो है नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें है वो है सार्जेंट कमीशन, सार्जेंट कमीशन 1944 शिक्षा के क्षेत्र में। तो ब्रिटिश शासनकाल का ये अंतिम शिक्षा का क्षेत्र में जो अधिनियम, जो ये कमीशन बना था वो सार्जेंट कमीशन था, सर जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में बनाया जाता है। उस समय ये केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के सलाहकार थे, तो शिक्षा के रिफॉर्म के लिए। अब देखिए इनके बारे में कई अन्य जानकारियाँ हैं, लेकिन ये क्लासरूम में ही आपको बताया जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें है, स्वतंत्रता के पश्चात जो शिक्षा का विकास हुआ है, इसे भी समझ लीजिए कि जब देश फ्रीडम हुआ उसके पश्चात भी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय काम किया जाता है। जेएल नेहरू के शासनकाल में शिक्षा के रिफॉर्म के लिए तीन चार बड़े महत्वपूर्ण काम हुए, जैसे कि उन्होंने 1948 में हायर शिक्षा के सुधार के लिए राधा कृष्ण आयोग का गठन किया था, राधा कृष्णन आयोग 1948 में गठन किया जाता है और 49 में अपनी रिपोर्ट पेश की जाती है। तो ये हायर एजुकेशन के लिए इसका स्थापना की जाती है, और इसमें आपने देखा होगा कि यूजीसी का गठन किया जाता है 1953 में इसी की सिफारिश पर। फिर 1957 में यूजीसी एक्ट लाया जाता है, और यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए उसने काफ़ी सारे रिकमेंडेशन, काफ़ी सुझाव दिए गए थे। ठीक, तो इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। फिर इसके बाद देखिए आपका 1964 और 66 में कोठारी शिक्षा आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग नहीं, इससे पहले आपका एक इसमें छूट गया है। इसके बाद देखिए दूसरा जो इसमें जेएल नेहरू के शासनकाल में मुद्दालियर, मुद्दालियर आयोग 1952 और 53, ए लक्ष्मण स्वामी मुद्दालियर की अध्यक्षता में एक माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए एक आयोग बनाया जाता है जेएल नेहरू के शासनकाल में, इसे मुद्दालियर आयोग भी कहा जाता है। ए लक्ष्मण स्वामी जो मुद्दालियर थे, ये मद्रास यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, तो इसके सुधार के लिए ये गठन किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए 1961 में फिर जेएल नेहरू के शासनकाल में आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी की स्थापना की जाती है, और फिर इसके बाद देखिए ये कोठारी शिक्षा आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, ये कोठारी शिक्षा समिति, ठीक, कोठारी शिक्षा समिति, इसका गठन आपका 1964 में किया जाता है और 66 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, उस समय ये यूजीसी के चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया जाता है, और पूरे इतिहास, पूरे शिक्षा के इतिहास में जो सबसे ज़्यादा गहन शोध और विचार विमर्श करने वाला जो आयोग था, जिसने भारतीय शिक्षा को एक वैश्विक स्तर की शिक्षा बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो कोठारी शिक्षा आयोग को जाता है। इस आयोग की जो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि इस आयोग में कुल 17 सदस्य थे, और इसमें 6 देशों के विशेषज्ञों को भी इसमें शामिल किया गया था, जैसे कि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, रूस हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इन राष्ट्रों की जो शिक्षा पद्धति थी उसका अध्ययन किया गया। और साथ ही उस समय जो यूनेस्को के, जो यूनेस्को जो अंतर्राष्ट्रीय एक तत्कालीन समय का, उन्हें भी इस आयोग का एक सदस्य बनाया गया था। ठीक, तो काफ़ी इन्होंने भारत के शिक्षा के सुधार के लिए एक
काफ़ी अच्छे सुझाव दिए थे जो बाद में भारत सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं इंदिरा गांधी के शासनकाल में। तो 1966 से लेकर 1977 तक जो है 77 तक इंदिरा गांधी का शासनकाल था, तो वहाँ ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। और इसी के बाद भारत में पहली शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ठीक। ये फिर इसके बाद है भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, और फिर नेक्स्ट है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेकंड, ये आपकी 1986 की है राजीव गांधी के शासनकाल की, और फिर आपका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी थर्ड आपकी 2020 की है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थर्ड है ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, और जो 34 साल के पश्चात भारत सरकार ये आदरणीय मोदी जी की सरकार में इसे 29 जुलाई 2020 को इसे मंजूरी मिली। और ये अभी जो वर्तमान ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में बनाई जाती है। इन शिक्षा नीतियों का क्या फॉर्मेट था, क्या क्या बदलाव किए गए, क्या क्या इसमें सुझाव दिए गए, तो ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए भारत में शिक्षा के विकास का जो पहला फेज जो है वो 1757 से लेकर 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, दूसरा फेज शिक्षा का शुरू होता है 1858 से लेकर 1947 तक, और तीसरा फेज जो है आपका वो 1947 से लेकर 2020 तक। तो तीन चरणों में शिक्षा के विकास का अध्ययन भारत में हुआ है। तो चलिए आज जो आपका मुख्य टॉपिक है वो है भारत में EIC के शासनकाल में शिक्षा का विकास, तो इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे EIC के शासनकाल में शिक्षा का विकास। तो देखिए इसमें जो आपका पहला जो इसमें टॉपिक था आपका, वो पहला टॉपिक ये था, फर्स्ट टॉपिक जो इसमें था आपका कि 1764 से लेकर 1813 तक शिक्षा का विकास। देखिए इस टॉपिक को पहले देख लेते हैं। देखिए भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपने शासन की जो नींव रखी गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव, वैसे इसकी नींव 1757 के प्लासी के युद्ध से पड़ती है, प्लासी के युद्ध से बंगाल में पड़ती है। प्लासी का युद्ध जो था ये सिराजुद्दौला और है ये ब्रिटिश जो उस समय ब्रिटिश सेना के जो सेनापति थे है ये उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव ने इस समय विक्ट्री कर जाते हैं। तो इससे बंगाल में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ती है, लेकिन वास्तविक जो नींव पड़ी थी वो वास्तविक नींव बक्सर के युद्ध से पड़ी थी। बक्सर का युद्ध आपका 1764 में होता है। तो इसी बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो करता है, और जो आपकी भारतीय जो बंगाल के जो शासक इस समय थे, एक तो ये क्या कहते हैं सुजाउद्दौला थे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और आपके मीर कासिम और आलमगीर द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था भारत की ओर से, और जिसमें ये हार जाते हैं हेक्टर मुनरो से। फिर इसके बाद वास्तविक रूप से बंगाल पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित होता है। इसी युद्ध से पहले आपने देखा होगा 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, मराठों और मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच में होता है। उस समय मराठा भारत की सर्वोच्च एक बहुत बड़ी जो राजनीतिक शक्ति थी वो मराठा थी, लेकिन मराठा के पतन के पश्चात भारत में कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति नहीं रहती है। तो भारत में यहाँ से एक इस 1761 के इस युद्ध ने इस चीज़ का निर्णय कर दिया था कि भारत में किसका शासन होगा किसका शासन नहीं होगा। तो आगे इस बात का निश्चित हो गया था कि अब भारत की जो सर्वाधिक शक्तिशाली शक्ति बनने वाली थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनने वाली थी, क्योंकि 1761 के युद्ध के पश्चात मराठा राज्य वंश का पतन हो गया था, ठीक, एक तरीके से उनको काफ़ी हानि हुई थी इस युद्ध में।
फिर इसके बाद देखिए आप, ये बक्सर का युद्ध हो गया। बक्सर के युद्ध के पश्चात भारत में, ये बक्सर के युद्ध के पश्चात देखिए आप, 1764 से लेकर 1772, ये 72 तक बंगाल में द्वैत शासन की नींव पड़ती है। द्वैत शासन, द्वैत शासन का जो जनक है इसे रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में माना जाता है। और द्वैत शासन में सत्ता का बंटवारा दो व्यक्तियों के बीच में हो जाता है, जैसे कि आपने जो प्रमुख शक्तियाँ थी शासन प्रशासन की क्लाइव के हाथों में थी, और जो बंगाल का शासक था वो नाम मात्र का शासक था। इस शासन काल में बंगाल को धन को अथाह रूप से लूटा गया, पूरा धन भारत से ब्रिटेन ले जाया गया, और बंगाल को का जो बंगाल जो उस समय का भारत का सबसे धनी राज्य था, उस धन की उसकी पूरी जो धन संपदा थी वो ब्रिटिशों ने दोनों हाथ से लूटकर इंग्लैंड ले गई। तो जब ये इंग्लैंड में जब ये खबर पहुंचती है, तो इंग्लैंड की जो कि 1773 में ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट बनाया था जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट। इसी एक्ट के तहत 1774 में 1774 से लेकर 1886 तक वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक, वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो देखिए इनके शासनकाल में अभी 1764 से जब उन्होंने बंगाल में ब्रिटिश शासन की नींव रखी, उस समय कोई शिक्षा इनका महत्वपूर्ण विषय नहीं था, उस समय भारतीय धन को लूटना इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक, तो 1774 में जब ये वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, तो शिक्षा के क्षेत्र में इनके शासनकाल में क्या क्या घटनाएँ हुई, तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो घटनाएँ हुई वो इस प्रकार से। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से लेकर 86, देखिए 1776 में इनके शासनकाल में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। ठीक, और ये अनुवाद किया जाता है विलियम जॉन्स के द्वारा ये किया जाता है। फिर इसी के बाद आपने देखा होगा कि इसी समय 1776 में आपने देखा होगा एक अन्य पुस्तक भी पब्लिश हुई थी विश्व के संदर्भ में, वो था द वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक थी, ये एडम स्मिथ की थी, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, उनकी पुस्तक भी इसी समय पब्लिश हुई थी। और इसी पुस्तक से आपने देखा होगा कि जो पूंजीवाद की जो विचारधारा थी उसका जन्म इसी पुस्तक के माध्यम से हुआ था। फिर इसके बाद देखिए 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा पहला मदरसा खोला जाता है वेस्ट बंगाल में। और फिर इसके बाद आप 1784 में विलियम जॉन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की नींव रखी जाती है 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी की नींव रखने का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत का जो प्राचीन धर्म संस्कृति साहित्य और भाषा इत्यादि का अध्ययन करने के लिए इस सोसाइटी की नींव रखी जाती है विलियम जॉन्स के द्वारा। एग्जाम में कई बार पूछ रखा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। फिर इसी की एशियाटिक सोसाइटी के एक सदस्य थे विलियम विल्किंस। तो विलियम विल्किंस ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक, और इन्होंने ही हितोपदेश का भी अंग्रेजी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था, और एक भागवत गीता का। ठीक, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र के लिए कोई बड़ी उल्लेखनीय पॉलिसी तो नहीं बनाई गई थी इस समय इनका भारत में कोई शिक्षा का विकास करना कोई बड़ा मुख्य उद्देश्य नहीं था, लेकिन प्राचीन काल की जो धार्मिक पुस्तकें थी, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ थे, उनका अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन का कार्य इस शासन काल में किया गया था। ठीक, फिर इसके बाद देखिए आप, इसके बाद जो उनके जो गवर्नर, इसके बाद 1786 से लेकर 93 तक गवर्नर बनते हैं, बंगाल के गवर्नर बनते हैं लॉर्ड
लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक। तो लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, एक तो इन्हें फादर ऑफ ICS भी कहा जाता है, इंडियन सिविल सर्विस के फादर यही थे। और इन्होंने जो मुख्य शिक्षा के क्षेत्र में जो काम इनके शासनकाल में हुआ कि इन्होंने 1791 में इन्होंने एक संस्कृत, इनके शासनकाल में जो नाथन डंकन के द्वारा बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की नींव रखी जाती है, ठीक। और फिर इसके बाद देखिए आप, 1792 में चार्ल्स ग्रांट वो व्यक्ति हैं, ये प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे ये। लेकिन इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1792 में, उस पुस्तक का नाम है कि ब्रिटिश राज में एशियाई समाज की राजनीतिक सामाजिक स्थिति का अध्ययन, ठीक। इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज और संस्कृति, धार्मिक रीति रिवाजों की कड़ी आलोचना की। और इस समाज को यदि हमें, उन्होंने ये उसमें ये बात कही थी कि भारतीय समाज को परिवर्तन करने के लिए यदि कोई बड़ा कोई हथियार है उस समय, तो वो पश्चिम की शिक्षा है, और पश्चिम का ज्ञान और पश्चिम की शिक्षा के माध्यम से ही भारतीय समाज को यहाँ के अंधकारपूर्ण जो अंधकार के गर्त में जो भारतीय समाज पड़ा हुआ है उसे यदि बाहर निकालना है, तो उसके लिए भारत में जो जिस शिक्षा के माध्यम से ये भारतीयों का विकास हो सकता है, तो पश्चिमी शिक्षा है, ठीक। तो इन्होंने पश्चिमी शिक्षा के प्रोत्साहन की जो सबसे पहले जो बात करी की थी, वो चार्ल्स ग्रांट ने की थी अपनी पुस्तक में, कि तत्कालीन समय में भारत एक काफ़ी दरिद्र राष्ट्र था, भारतीय समाज की आर्थिक राजनीतिक सामाजिक स्थिति का पूर्ण रूप से पतन हो चुका था, समाज में कई सारी सामाजिक बुराइयां फैल रही थी। तो उसको, उस समाज को बेहतर बनाने के लिए, उस समाज को आधुनिक बनाने के लिए सबसे पहली परिकल्पना इन्होंने अपनी पुस्तक में किया कि भारत को यदि आधुनिक राष्ट्र बनाना है, कि यहाँ के नागरिकों के लिए सभ्य राष्ट्र बनाना है, तो इसके लिए जो सबसे जो जरूरी चीज़ है वो पश्चिमी शिक्षा। तो पश्चिमी शिक्षा का जो सबसे पहले जो विचार दिया, तो पश्चिमी शिक्षा का सबसे पहले विचार देने वाला जो व्यक्ति था वो चार्ल्स ग्रांट था, जिन्होंने अपनी पुस्तक 1792 में इन्होंने दी थी। तो इसीलिए चार्ल्स ग्रांट को भारतीय आधुनिक शिक्षा का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, तो चार्ल्स ग्रांट थे। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद ये जॉन सोर जो है, ये लॉर्ड, इसके बाद लॉर्ड जॉन सोर ये गवर्नर जनरल बनते हैं 1793 से लेकर 96 तक। तो इनके शासनकाल में कोई बड़ी घटना नहीं होती है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक। तो लॉर्ड जॉन सोर के पश्चात जो गवर्नर बनते हैं वो है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में, इनका टाइम पीरियड 1796 से लेकर 1802 तक है। तो इनके शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ कि 1800 में ICS की परीक्षा, जो ICS जो इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा, जो स्टूडेंट्स में चयनित होते थे उनके प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है 1800 में, ठीक। लेकिन ये कॉलेज जो है 1802 में इसे बंद कर दिया जाता है, और फिर 1806 में इंग्लैंड के हेलेबरी में ये ICS के प्रशिक्षण के लिए कॉलेज खोला जाता है, ठीक। भारत में इनके जो ICS के ट्रेनिंग पर काफ़ी खर्चा हो रहा था, इसलिए ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इंग्लैंड में। तो देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है कि 1764 से लेकर आपके 1800
2006 तक कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हुए अभी तक सरकार ब्रिटिश सरकार ने कोई बड़ी पॉलिसी भारत के शिक्षा के रिफॉर्म के लिए नहीं बनाई, ना ही उसकी अभी उनको ज़रूरत थी। लेकिन 1806 से लेकर 1813 के बीच में भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसी घटना नहीं है जो इसमें सहयोग करे या इसमें कुछ और उल्लेखनीय काम करे। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, अब देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आंग्ल प्राच्य विवाद। आंग्ल प्राच्य विवाद, आंग्ल प्राच्य विवाद, ठीक, कंट्रोवर्सी, ये एंग्लिस्टिक और ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी, एंग्लिस्टिक एंड ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी, आंग्ल प्राच्य विवाद। अब देखिए ये विवाद कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, ये हमारा दूसरा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का शिक्षा के क्षेत्र में। तो इस विषय पे आप यूँ समझिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कुछ एक्ट पारित किए जाते हैं, प्रत्येक 20 वर्षों के पश्चात या 10 वर्षों के पश्चात ऐसे एक्ट पारित होते रहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत के शासन को लंबे समय तक ब्रिटिश सत्ता के अधीन रखना। तो इसी के संदर्भ में एक एक्ट पारित हुआ था आपका 1813 का एक्ट, 1813 का एक्ट। तो इन एक्टों में जो प्रावधान किए जाते थे उन्हीं प्रावधान के माध्यम से ही जो भारत का गवर्नर या भारत के वायसराय होते थे वो भारत में शासन करते थे, अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर सकते थे, ठीक। तो इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि एक तो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी EIC के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की बात की गई, ठीक। लेकिन इसमें ये उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि अगले 20 वर्षों तक चीन के साथ और चाय के व्यापार पर अगले 20 वर्षों तक चीन और चाय के व्यापार पर अंग्रेज ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार बना रहेगा और सभी व्यापारिक अधिकार उनसे छीन लिए जाते हैं, ठीक। दूसरा इसमें जो ये प्रावधान किया गया था कि ईसाई जो धर्म प्रचारक थे, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की पहली बार अनुमति दी जाती है। साथ ही इस एक्ट में ये प्रावधान किया जाता है कि सभी ब्रिटिशों को या ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी जाती है, ठीक। इसमें एक जो महत्वपूर्ण उल्लेखनीय एक जो बात ये कही जाती है कि एक लाख रुपया भारतीय भारत की शिक्षा के विकास पे खर्च करने की बात कही गई थी, ठीक। पहली बार किसी पॉलिसी के तहत किसी विधिवत या आधिकारिक रूप से ब्रिटिश शासन ने ये योजना भारत में रखी थी, ठीक। तो देखिए इस समय एक महत्वपूर्ण बात यह कि 1813 का जो एक्ट है इसमें कुछ व्यापारिक बदलाव किए गए कि ब्रिटेन के सभी लोगों को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया, और इसमें एक बात ये थी ये रखा ये कि 20 वर्षों तक चीन के साथ व्यापार पर और चीनी के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार रहेगा, ठीक। लेकिन जो 1813 का जो एक्ट था, इस एक्ट को पारित करने के लिए ब्रिटेन के जनता ने ये संसद पर काफ़ी दबाव डाला था, क्योंकि 1776 में जो वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक पारित हुई थी, उस जो पुस्तक जो लिखी गई थी, ठीक, उस पुस्तक में पूंजीवाद की विचारधारा उस समय रखी गई थी, और पूंजीवाद की विचारधारा थी वो इससे पहले जो यूरोप में जो प्रचलित एक विचारधारा थी, वाणिज्यवाद की विचारधारा या कमर्शलिज्म की विचारधारा को इन्होंने ये पूंजीवाद के स्थान वाणिज्यवाद के स्थान पर पूंजीवाद की विचारधारा को लोगों ने अपनाने लगा, और इसमें सभी लोगों को व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, ठीक। तो ब्रिटेन के लोगों ने पूंजीवाद की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित ब्रिटेन की जनता हुई, तो उसने भारत में व्यापार करने का अधिकार मांगा था। तो उसी विचारधारा से ये 1813 का एक्ट लाया गया था और ये पारित किया गया था। एक बात यहाँ और उल्लेखनीय है कि 1 लाख रुपये, भारतीय इतिहासकार ये कहते हैं कि इस समय इंग्लैंड जो अपने आप में एक लोकतांत्रिक राष्ट्र था, एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र था, ठीक,
क्योंकि 1688 में वहाँ जो रक्तहीन क्रांति होती, वहाँ से उस रक्तहीन क्रांति से वहाँ लोकतंत्र की नींव पड़ जाती है। तो अभी तक भी वहाँ शिक्षा के क्षेत्र पे इतनी बड़ी जो धनराशि है सरकार के द्वारा नहीं लगाई जाती थी। ठीक, तो तत्कालीन समय की यदि हम सरकारों की बात करें तो एक भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1,00,000 रुपये खर्च कर रही थी, वो यूरोप के राष्ट्रों से भी एक बहुत बड़ी धनराशि थी। ठीक, तो इसके पीछे ये जो मुख्य देखे तो यहीं से भारत में जो 1,00,000 रुपये की जो धनराशि है इसे भारत में खर्च करने का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य है, इसी पर भारत में आंग्ल प्राच्य विवाद शुरू हो जाता है। अब देखिए, इस आंग्ल प्राच्य विवाद के शुरू होने का जो मुख्य कारण ये था कि 1,00,000 रुपये के खर्च की तो व्यवस्था कर दी जाती है, लेकिन उस समय क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भीतर ही कई सारे अधिकारी थे कि जो चाहते थे कि जो ये पैसा है ये भारत की ब्रिटिश कंपनी की जो अधिकारी है, इस विषय पे दो भागों में बंट गए। कुछ अधिकारी को कहना ये था कि ये शिक्षा पाश्चात्य शिक्षा पर भी खर्च होना चाहिए, कुछ अधिकारियों को कहना था कि नहीं ये प्राचीन शिक्षा पर ही खर्चा होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ कंट्रोवर्सी हो जाती है और ये 1813 से लेकर ये मुद्दा 1823 तक पहुंच जाता है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं होता। तो 1823 में क्या होता है कि एक लोक शिक्षा समिति का गठन किया जाता है, जिस समिति में कुल 10 सदस्य थे। इस समिति में कुल 10 सदस्य थे। और इस समिति को ये समाधान निकालना था कि ये 1,00,000 रुपये किस में खर्च किया जाए और भारत में शिक्षा की पद्धति को क्या रखा जाए। ठीक, तो यहाँ समस्या ये पैदा खड़ी हुई कि जो ये 10 सदस्य समिति बनाई गई थी, ये 10 सदस्य समिति भी खुद 5-5 गुटों में बंट जाती है। एक गुट था जो आंग्ल शिक्षा का समर्थक था, आंग्ल शिक्षा का समर्थक था, और दूसरा जो गुट था वो प्राच्य शिक्षा का समर्थक था। ठीक, दूसरा गुट प्राच्य, आंग्ल का मतलब है अंग्रेजी शिक्षा, प्राच्य का मतलब है प्राचीन भारत की शिक्षा। तो आंग्ल शिक्षा के जो समर्थक थे वो थे आपके एच टी प्रिंसेप जो इस समिति के अध्यक्ष थे, और दूसरे थे अब देखिए, प्राच्य शिक्षा के जो समर्थक थे उनमें थे आपके H.T. Prinsep, और दूसरे थे H.H. Wilson। ये समिति के सदस्य थे। प्रारंभ में समिति का जो चेयरमैन था वो आपके H.T. Prinsep थे, लेकिन बाद में लॉर्ड मैकाले को इनकी जगह अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक, तो इन्हें ये प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। इन्होंने कहा कि भारत में प्राचीन शिक्षा पद्धति लागू होनी चाहिए और भाषा का माध्यम ये आपकी संस्कृत होनी चाहिए और अरबी भाषा होनी चाहिए। ठीक, जो मुस्लिम शासकों की जो भाषा थी वो इसमें होनी चाहिए। फिर लेकिन यहाँ विवाद जो आपके आंग्ल शिक्षा समर्थकों में, एक तो मुनरो थे, दूसरे आपके एल्फिस्टन थे, और तीसरे व्यक्ति इसमें शामिल थे आपके लॉर्ड मैकाले इसमें थर्ड व्यक्ति शामिल किए जाते हैं। इनके अलावा इन्हें जो और समर्थन बाहर से मिल रहा था, एक तो आधुनिक जैसे कि राजा राम मोहन रॉय यानी आधुनिक भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उन्होंने भी इनका समर्थन किया। दूसरा जो इनके समर्थक वर्ग थे वो थे आपके कंपनी के जो कुछ अधिकारी ये भी इनका समर्थन कर रहे थे, और ईसाई धर्म प्रचारक ये भी इनका समर्थन कर रहे थे। ठीक, और इन्होंने जो इसकी माध्यम की जो भाषा चुनी वो भाषा थी आपकी अंग्रेजी। इन्होंने कहा कि हम पश्चिमी शिक्षा साहित्य का भारत में विकास करेंगे, लेकिन उसका जो माध्यम होगा वो अंग्रेजी भाषा होगी। तो लॉर्ड मैकाले जो है ये 1834 में भारत आते हैं।
ठीक 1834 में भारत में आते हैं और इन्हें एक विधि सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है। ठीक, तो चलिए इसके बाद क्या हुआ कि जब इन्हें इसका अध्यक्ष जब बनाया जाता है, ये इस लोक शिक्षा समिति का इन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि 1823 से लेकर 1834 तक इन्होंने इसका भी कोई समाधान जब नहीं निकाल पाए तो लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो लॉर्ड मैकाले को जब इसका अध्यक्ष बनाया गया तो यहाँ इस समय लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी दो मतभेद तैयार हो गए। जैसे कि आप देखिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार, शिक्षा के प्रचार प्रसार, शिक्षा के प्रचार प्रसार की विचारधारा की विचारधारा शिक्षा के प्रचार प्रसार की विचारधारा। देखिए, समस्या ये थी, एक तो जो लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड मैकाले ने उस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है और ये अपनी क्या कहते हैं, ये प्राच्य जो नहीं जो आंग्ल शिक्षा का समर्थन करते हैं। लेकिन यहाँ उस समय एक और विवाद ये भी था कि शिक्षा का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया जाए। ठीक, तो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उस समय दो विचारधाराएं, इसी कमेटी के भीतर दो विचारधाराएं बनती हैं। एक पहली विचारधारा ये थी कि EIC ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा का प्रसार जन जन तक करें, पूरे नागरिकों तक करें, भारत में प्रचार प्रसार का नेतृत्व यही करें। दूसरी जो विचारधारा ये थी कि शिक्षा का अधोमुखी, शिक्षा का अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत, इसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहा जाता है, अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत, अधोमुखी निष्यंदन सिद्धांत या अधोमुखी रिसाव सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, तो ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपका लॉर्ड मैकाले। वैसे लॉर्ड मैकाले का जो पूरा नाम है वो है थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ठीक, थॉमस बेबिंगटन मैकाले इनका पूरा नाम है। तो लॉर्ड मैकाले ने अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में जो शिक्षा है वो सबसे पहले उच्च वर्ग को दी जाए, जो आर्थिक रूप से संपन्न और जो वर्ग है सबसे पहले उसे शिक्षा दी जाए, उसके पश्चात जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है उन्हें अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। ठीक, तो उन्होंने ये डाउन वर्ल्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी कि उच्च वर्ग को शिक्षा सर्वप्रथम दिया जाए, उसके बाद छन छन को जो शिक्षा है वो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को दिया जाए, और इसकी जो भाषा थी वो अंग्रेजी इन्होंने रखी थी। ठीक, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड मैकाले ने अपने विचारों को, अपने जो पाश्चात्य शिक्षा का जो समर्थन इन्होंने किया, इसको अपने तर्कों से इन्होंने इस प्रकार से सिद्ध किया था कि उनका जो भारत की शिक्षा के प्रति, भारत के, वैसे देखा जाए लॉर्ड मैकाले को इसमें क्या कहते हैं, एक 1833 का अधिनियम आता है, 1833 के अधिनियम के तहत लॉर्ड मैकाले को भारत में एक लॉ मेंबर के रूप में, एक विधि सदस्य के रूप में इन्हें भारत आमंत्रित किया जाता है 1834 में, और 1834 में इन्हीं की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का भी गठन किया जाता है। भारत का पहला विधि आयोग इन्हीं की अध्यक्षता में गठित किया जाता है। ठीक, तो ये इन्हें वायसराय की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था। उस समय वायसराय की काउंसिल में जो है 3 सदस्य होते थे, चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को आमंत्रित किया गया था। तो उस समय जब ये आंग्ल कंट्रोवर्सी विवाद जब चल रहा था, उसका समाधान नहीं हो पा रहा था, उसके समाधान के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इन्हें जो लोक शिक्षा नीति थी, उस लोक शिक्षा नीति समिति का चेयरमैन बना दिया जाता है। ठीक, तो जब इन्हें ये लोक शिक्षा नीति समिति का चेयरमैन बना दिया जाता है, तो इन्होंने अपने जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया, तो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन के साथ साथ इन्होंने जो अपनी बात रखी थी वो इस तरह, इस पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन के में इन्होंने अपनी बात को अपने तर्कों से रखा था कि उनका ये मानना था कि भारत का जो प्राचीन ज्ञान और शिक्षा, संस्कृति, इतिहास जो है वो
पूर्ण रूप से एक भारत का प्राचीन शिक्षा ज्ञान जो है वो पूर्ण वो एक अंधविश्वास और आडंबरों से भरा हुआ, इनका एक जो बायस था, एक पूर्वाग्रह था भारत के शिक्षा और ज्ञान के प्रति, ठीक। और क्योंकि उस समय हमारे समाज में कई सारी बुराइयां फैल रखी थी, कई सारी ये आर्थिक जनता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो एक तरीके से समाज जो था एक काफ़ी पतन की अवस्था में था, ठीक। दूसरा, इन्होंने अपना एक कथन और दिया, इनका स्टेटमेंट ये था कि पश्चिमी शिक्षा के समर्थन में इन्होंने अपना कथन दिया कि यूरोप के एक पुस्तकालय की एक आलमारी के एक स्लेब में या एक तहखाने में जो रखा साहित्य है वो भारत के संपूर्ण साहित्य प्लस अरब जगत, अरब जगत का मतलब है सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के समस्त साहित्य से अधिक प्रभावशाली और अधिक सामर्थ्यवान और अधिक उपयोगी है, ठीक। तो ये इन्होंने अपनी पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन में ये बात कही थी। फिर इनका एक कथन और है, वो कथन इस प्रकार से है कि मैं भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता हूँ कि जो रंग और रूप से तो भारतीय होगा लेकिन आचार विचार प्रवृत्ति, हैबिट्स, प्रवृत्ति का मतलब है हैबिट्स, आचार विचार प्रवृत्ति से और नैतिकता से वो पश्चिमी होगा, ठीक। तो निश्चित रूप से ये बात आगे इम्प्लीमेंट, ये भारतीयों पर ये बात लागू होती है, ठीक। तो पश्चिमी शिक्षा के समर्थन में इन्होंने अपने ये विचार उस समय रखे थे। अब इसके बाद देखिए, ये लॉर्ड मैकाले ने जो अपनी जो रिपोर्ट है वो 2 फरवरी 1835 को, ठीक, 1835 को ये रिपोर्ट अपनी पेश करते हैं तत्कालीन जो गवर्नर जनरल, भारत के जो गवर्नर जनरल थे, क्योंकि 1833 का जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत कुछ ये प्रावधान किए गए थे कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ठीक। और इन्हीं के शासनकाल में फिर भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ती है, या पश्चिमी शिक्षा की नींव भी इन्हीं के शासनकाल में पड़ती है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो टाइम पीरियड था वो आपके 1828 से लेकर आपका 35 तक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जो लोक शिक्षा समिति है उसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, तो उस समय उन्होंने अपनी रिपोर्ट उनको पेश की, और जब वो रिपोर्ट उनको पेश की गई तो उन्होंने के जो सजेशन थे, जो सुझाव उन्होंने जो उसमें बात कही गई थी, पहली बात ये थी कि भारत में जो शिक्षा दी जाएगी वो पाश्चात्य शिक्षा दी जाएगी, उसका माध्यम जो होगा वो अंग्रेजी भाषा होगा, ठीक। और जो भारत में जो बजट होगा, भारत का जो 1 लाख रुपये जो खर्च किए जाने, वो 1 लाख रुपये खर्च जो होगा वो अंग्रेजी शिक्षा के विकास पे होगा, अंग्रेजी शिक्षा के बढ़ावा के लिए वो 1 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। और भविष्य में भी एक भारत सरकार के द्वारा यदि कोई बजट बनाया जाता है तो वो भी इसी दिशा में खर्च किया जाएगा। इसके पश्चात देखिए, ये उसके बाद 1835 में आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात जो गवर्नर बनते हैं, भारत के गवर्नर बनते हैं चार्ल्स मेटकॉफ। तो चार्ल्स मेटकॉफ का टाइम पीरियड 1 वर्ष का होता है, ये 1835 से लेकर 1836 तक शासन करते हैं। उसके पश्चात क्या, ये चार्ल्स मेटकॉफ के बाद जो ये जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो है लॉर्ड ऑकलैंड। इनका टाइम पीरियड है 1836 से लेकर 42। तो ये लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में भारतीय जो मैकाले की जो शिक्षा नीति का जो सुझाव था वो उन्हीं के शासनकाल में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, ठीक। भारत में ब्रिटिश एजुकेशन की नींव विलियम बेंटिंक के शासनकाल में स्वीकार की जाती है, और जो इम्प्लीमेंट यानी लागू इस नीति को कहा जाता, जो लागू किया गया था लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक। तो फिर देखिए, आप कह सकते हैं 1835 से लेकर 1854 तक भारत का जो शिक्षा का विकास हुआ या भारत की शिक्षा नीति जो रही थी वो अधोमुखी निस्चंदन का सिद्धांत और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति रही थी, ठीक। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1854 में आपका चार्ल्स वुड का डिस्पैच, चार्ल्स वुड का डिस्पैच, ठीक। ये चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो है ये 1854 में आता है। डिस्पैच का मतलब है घोषणा पत्र, और चार्ल्स जो वुड था वो उस समय इंग्लैंड के जो क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल,
देखिए इंग्लैंड में एक तो BOD है और एक BOC है। BOD जो है कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है और BOC जो है वो राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के उस समय जो चेयरमैन थे वो आपके चार्ल्स वुड थे। तो चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में लॉ इस समय भारत में शासन जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल आपका ये आपका 1848 से लेकर 1855 तक है। तो इन्हीं के शासनकाल में भारत के शिक्षा के सुधार के लिए एक दूसरी कमेटी बनाई जाती है, वह चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में बनाई जाती है। इन्होंने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट में 100 आर्टिकल थे, 100 अनुच्छेद थे और चार्ल्स वुड ने ये इन्होंने कार्ल लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का विरोध किया और इसकी जगह इन्होंने जो ये एक जो इन्होंने बात कही कि भारत में शिक्षा का जो राइट है वो सभी वर्गों को मिलना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने सिर्फ उच्च वर्ग के लिए शिक्षा की भी बात कही थी। तो चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति में उन्होंने जो बात रखी कि भारत में शिक्षा का विकास सभी वर्गों के लिए होना चाहिए, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, ठीक, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी आधार पर चार्ल्स वुड के इस डिस्पेच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है कि सभी वर्गों के शिक्षा के अधिकार की इन्होंने बात कही थी, ठीक। साथ साथ इन्होंने जो और प्रावधान इसमें किए गए थे कि भारत में जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन और जो बेसिक एजुकेशन है वो स्थानीय भाषा की जो लैंग्वेज है उसी में दी जाएगी, वो अंग्रेजी भाषा में उसकी अनिवार्यता नहीं रखी गई। लेकिन जो इंटरमीडिएट एजुकेशन है, इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए अंग्रेजी भाषा प्लस आपकी जो स्थानीय भाषा है वो दोनों ही भाषा में होगी, और जो हायर एजुकेशन थी, हायर एजुकेशन अंग्रेजी भाषा में ही दी जाएगी, ठीक। तो ये प्रावधान इसमें किया गया एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इस अधिनियम को कहा जाता है जो चार्ल्स वुड के द्वारा पेश किया गया था। इसमें कई सारे अन्य प्रावधान भी थे, जैसे कि लोक शिक्षा समिति थी उसे भंग कर दिया जाता है 1855 में, इसकी जगह भारत में ये लोक शिक्षा विभाग की स्थापना इसी समय रखी जाती है। इसी के आधार पर भारत में एक जो क्या कहते हैं 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नींव रखी जाती है। इस समिति ने भारत में तीन बड़े विश्वविद्यालयों की नींव रखने का काम किया था, मद्रास यूनिवर्सिटी और दूसरा कलकत्ता यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी। तो इसी समिति की सिफारिश पर रखा गया था। कई सारे और भी इसमें सुझाव दिए गए थे लेकिन अभी इतनी चर्चा नहीं हो पाएगी, ठीक। अब देखिए इसमें एक बात यह है कि भारत में जो मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा वर्ड का प्रयोग 3 बार हुआ है भारत के इतिहास में, 2 बार, एक बार इसका प्रयोग पॉलिटिकल साइंस में भी होता है। तो जैसे हम 1717 का एक ये 1717 में ये में भारत के जो मुगल बादशाह थे फर्रुखसियार, तो फर्रुखसियार के शासनकाल में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ अधिकार दिए गए थे उस समय 1717 में। तो उसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया, कि इतिहासकार ओमर्स ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था कुछ अधिक, ठीक। फिर ऐसा ही जब आप ये क्या कहते हैं ये भारतीय ये इंडियन पॉलिटी में भाग तीन मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट को ही भारतीय संविधान का इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वैसे मैग्ना कार्टा जो है जब जनता को अधिकार दिए जाते हैं वहाँ इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इस वर्ड का प्रयोग 1215 में आपके इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड की जनता को पहली बार कुछ राइट दिए गए थे तो वहाँ सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में शिक्षा के जो महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो इस प्रकार से थे। तो यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।